गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन और मैं समय से आ गई हूँ। ठीक 10:30 बजे मैं सलोन थी, क्योंकि मैंने एक बात देखी है, आपकी चीज़ आप ही की होती, किसी और की नहीं होती। सो अगर आपको आगे बढ़ना तो पहले आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आर्यश्री और मेकओवर से अर्चना मिश्रा के डेली व्लॉग्स में। आज का दिन है सोमवार 1 जनवरी और मेरे पास आज ब्राइड है, तो मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं आज समय से सलोन खोलूँ, तो मैंने समय से सलोन खोल लिया। 10:30 बजे मैं आ चुकी हूँ, मैंने घर का काम सब छोड़ दिया है। मैं कुछ नहीं करने वाली, बिकॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सलोन है, क्योंकि यहाँ पे से ही मुझे रोजी रोटी, मेरा दिन बनता है, मेरी पहचान है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आने वाले नए साल में उतना प्यार बनाए रखिए जितना आप देते हैं, इतना ही रिस्पेक्ट मुझे जितना मिलता है, मैं आप मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब मेरी। एंड थैंक यू सो वेरी मच टू वॉचिंग माई कंटिन्यू और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आज का सारा दिन मेरे साथ बने रहिए। 1 जनवरी का फर्स्ट लेसन आज मुझे मिल गया। अब वो लेसन क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज लेसन अपने बात तक रखो तो इंसान सीखता है। तो पहला मुझे आज का पाठ पढ़ मिल चुका है, तो थैंक यू सो मच। जनवरी का पहला तारीख तो मुझे इतना सुंदर पाठ पढ़ा। घर आई हूँ, घर आने के मतलब मैंने जैसे कहा था कि मैं थोड़ा इमरजेंसी में आई, सलोन गई थी, सलोन खोलना था 1 तारीख की, तो उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैं खाना बनाना जरूरी है, क्योंकि शाम में मैं लेट आऊँगी, मेकअप में जा रही हूँ। उससे पहले मुझे बच्चों के लिए और सभी के लिए खाना बनाना जरूरी है। आप उससे थोड़ा सा चावल बनाएंगे, मैं मटर की सब्जी बना रही हूँ, बच्चों को मटर की सब्जी बहुत पसंद है। कल रानी का बर्थडे है ना, तो रानी पार्टी दे जाएगी और रानी को जो भी गिफ्ट लाएगा वो मेरे को। हमें 2-2 रुपया के बिस्किट चुपड़े आ रही जैसे पांडव ने खाया था एक चावल, 7 वडा निकाल लो ना, एक एक लोग फाइनली हम 3 और 4 यहाँ पे हैं और यहाँ पे स्वागत ही चल रहा है, मतलब यहाँ पे उनका स्वागत ही चल रहा है। टाइम है अभी, फिर भी हम लोग 5 हम यहाँ के वेट कर रहे हैं ब्राइड का। ब्राइड ब्रेकफास्ट करने गई है और यहाँ पे सोनी ने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, दीपिका ने दूसरे और पे साइड का कर दिया, मैं और रानी टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग जेर और उनका परफॉर्मेंस हो गया भाई, डांस और ये उनके फ्रेंड कौन लगते फ्रेंड कौन आप कौन लगते उनके स्कूल फ्रेंड। तो प्रीति ने रिकमेंड किया हमें और थैंक यू सो मच प्रीति मैम, आपकी वजह से प्रियंका हमें मिली और आई होप हमारा 2 दिन का साथ बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में ये यादें हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़े हैं और यू आर फर्स्ट ब्राइड ऑफ 2024। ब्लेसिंग्स तो आपके हाथ का बोली है, तो बहुत सारा प्यार और बहुत सारे विशेज आपके लाइफ के लिए। और आप भी मैं सेम विशेज करूँ कि हमारे आने वाले 2024 में बहुत सारा ब्राइडल बुकिंग हो और वो खुश हो हमसे मिल, मतलब सो थोड़ा उनसे आपके एक्सपेक्टेशन क्या आपसे। मैंने तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा ही करने वाले हो। और मैं आपकी जैसे आप बोले मैं आपकी फर्स्ट ब्राइड हूँ, तो मुझे भी आपको बहुत सारे विशेस देने हैं कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाए। चलो आज के दिन एक्चुअली ब्राइड जो होती है ना, सो ब्राइड जो होती है सो लोग कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन उनके आसपास भगवान का आशीर्वाद रहता है, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत पवित्र एक पावन सा अवसर है शादी ब्याह। और एक बहुत सारे यक्ष दंडल भगवान के साक्षी में शादी होता है, तो मेरा ये मानता है इतना शुभ कार्य में हमें हर चीज़ें अच्छी बोलनी चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, ताकि वो प्रेजेंस जो रहता है ना वो एक्चुअली मैटर करता है और उनके ब्लेसिंग्स हम पे पड़ते हैं। तो आज आपके शुभ समय में मैं भगवान से विश करती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे और एक्चुअली में वो विश सबके लिए काम करे। राइट, सो चलते हैं आज के मेकअप के लिए। आज उनका संगीत है, संगीत में ये डांस परफॉर्मेंस करने वाली है, डांस परफॉर्मेंस। सो
खूब छंदी मशीन लग रही है और हम लोग भी फ्री हो गए। साइडर्स थे, ब्राइट थी, टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत जल्दी हो गया, मतलब उनकी नहीं तो लेट हो गया। बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, कितना सुंदर है, मैंने पहली बार एंड्स को इतना अच्छे से देखा हुआ है। वहाँ दिखा ना हल्के से डेकोरेट किया, घर आने के बाद आज हमारे सोसाइटी में एक रिसेप्शन का प्रोग्राम है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, एक नॉर्मल सा एक प्रेजेंटेशन और ब्लेसिंग दे के आती हूँ, क्योंकि मुझे कल सवेरे तैयारी करनी, सो ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं रवीन और चाचू हम तीनों जा रहे हैं रिसेप्शन प्रोग्राम में। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे मोबाइल चार्जिंग ला के कल के लिए प्रिपरेशन करना, कल वापस से ब्राइडल मेकअप है जहाँ आज की थी वहीं, तो कल मेरे साथ बन सारा दिन बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच, फर्स्ट डे फर्स्ट व्लॉग ऑफ द ईयर, होप सब अच्छा रहे, आप लोगों को अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर वन मोर टाइम।